नीतीश शासन में बिहार के सरकारी सिस्टम की पोल लगातार कोर्ट के अंदर खुल रही है। अब एक मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने बिहार की सरकार को बिना दिमाग वाला करार दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग के एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई किया और बिहार सरकार के ऊपर टिप्पणी की और कहा कि कोई भी संस्था इतना बेदिमाग यानी माइंडलेस होकर काम नहीं कर सकती जितना बिहार सरकार कर रही है। शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि उसकी नजर में भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बेदिमाग यानी माइंडलेस होकर काम नहीं कर सकती जितना बिहार सरकार कर रही है। दरअसल समस्तीपुर महिला कॉलेज के रिटायर्ड रोकड़ पाल के वेतनमान निर्धारण से जुड़े मामले पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता द्वारा बढ़े वेतन मांग की मांग पर शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता का पे स्केल सेक्शन अफसर तो दूर सहायक के वेतन मान से भी कम कर दिया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को बकाए राशि का भुगतान 3 महीने के अंदर किया जाए। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। समस्तीपुर महिला कॉलेज में सेक्शन ऑफिसर रहे रावण ममी शर्मा ने रिटायरमेंट के बाद सही वेतन मान और बकाए रकम के भुगतान के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर कर लिया। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने रावण वमी शर्मा की रीट याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि इस कोर्ट की नजर में भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बेदिमाग होकर काम नहीं कर सकती जितना बिहार सरकार कर रही है। इसके अलावा अपनी करतूत को छुपाने के लिए इतनी लापरवाही भी कोई संस्था नहीं दिखा सकती जितना बिहार सरकार ने इस मामले में दिखाया है। कोर्ट के इस टिप्पणी से नीतीश सरकार की भारी फजीहत हुई है। कोर्ट ने प्रधान सचिव के ऊपर जुर्माना लगाया 100 अलग। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में बिहार सरकार के सिस्टम की क्या व्यवस्था है, लगातार इसकी पोल हाई कोर्ट में खुल रही है। अब एक फिर से एक मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के ऊपर कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि कोई भी संस्था इतना बेदिमाग होकर काम नहीं कर सकती जितना बिहार सरकार कर रही है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।